Hello friend, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you about nucleic acid. What is nucleic acid? Nucleic acids are macromolecules found in all cells and viruses. यानि nucleic acid क्या है? Macromolecule है जो कि सभी प्रकार के सेल में तथा viruses में पाया जाता है. Now what is macromolecules? तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, मैक्रोमोलिकुल्स मतलब लार्ज मॉलिक्यूल विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट. हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक. ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसी तरह से जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट lipids and proteins organic compound होते हैं, ठीक है. अब बात करते हैं इसके brief history के बारे में. brief history के बारे में तो सबसे पहले मीशर नाम के साइंटिस्ट ने इन 1868 न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था पस सेल से. ये हॉस्पिटल में जो बैंडेज इस्तेमाल होता है उसके पस सेल से सबसे पहले इन्होंने न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया था और उसका नाम दिया था न्यूक्लिन. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही ये कहना होगा कि न्यूक्लिन आइसोलेटेड किया था, ठीक है. आइसोलेट किया था मिशर ने इन 1868 में. ये याद रखेंगे, न्यूक्लिन, ठीक है. इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया था कि न्यूक्लिन जो बना होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन से मिलके बना होता है. उसके बाद इन 1880 फिशर नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि उन्होंने एक्चुअली आइडेंटिफाई किया. क्या आइडेंटिफाई किया? कि न्यूक्लिन में नाइट्रोजिनस बेसिस पाए जाते हैं, ठीक है. न्यूक्लिन में नाइट्रोजिनस बेसिस कहते हैं. ये नाइट्रोजिनस बेसिस जो है वो दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, ठीक. उसके बाद अल्टमैन ने इन 1889 टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि असल जो टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड वो किसने दिया? वो अल्टमैन ने दिया टर्म दिया, या कह सकते हैं कि नाम, असल जो ये नाम है न्यूक्लिक एसिड वो किसने दिया? अल्टमैन ने की, ठीक है. आप पढ़ेंगे तो आप वो हर जगह पे कहीं कहीं पे ये मिलता है कि किसी भी ऑर्गेनिल्स को या किसी चीज़ को डिस्कवर कोई और करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो नाम जो आज के वक्त में प्रचलित है वो नाम उसी ने ही दिया होगा जिसने वो डिस्कवर किया है. तो डिस्कवर किसी चीज़ को कोई और भी कर सकता है, डिस्कवर कोई भी कर सकता है और उसका नाम कोई और भी दे सकता है. इसलिए इसे ध्यान रखेंगे टर्म किसने दिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया गया अल्टमैन के द्वारा, लेकिन डिस्कवर किसने दिया किया? मेशर ने किया, ठीक है. इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है. अब बात करते हैं हम के टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में. न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड्स को इट इज़ क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स. नंबर वन आरएनए और नंबर टू डीएनए. यानी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों नाम होता है? कि इट कंटेन्स राइबो शुगर. राइबो शुगर क्या है? ये फाइव कार्बन कंटेनिंग शुगर है, ठीक. और ये आरएनए जो पाया कहाँ जाता है? आरएनए न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है. और न्यूक्लियस में पाया जाता है
तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, तो ये न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस में भी पाया जाता है और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी पाया जाता है। न्यूक्लियोलस के बाहर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें भी पाया जाता है। उसके साथ साथ ये क्रोमेटीन के साथ भी पाया जाता है, क्रोमेटीन में भी पाया जाता है। क्रोमेटीन क्या है? क्रोमेटीन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म्स क्रोमोजोम्स विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक, इसके साथ साथ अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, कि ये साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, मतलब ये न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम का ज्यादातर हिस्सा बनाता है, यानी राइबोसोम का अधिकतर हिस्सा आरएनए से बना होता है। ये राइबोसोम क्या है? राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है, उसी तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स है, उसी तरह से राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसके ज्यादातर हिस्सा किसके द्वारा बना होता है? आरएनए से बना होता है। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी राइबो शुगर रखता है, यानी डीऑक्सी राइबो शुगर से बना होता है। ये 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर कंपाउंड है, जिसमें इसके सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की कमी होती है, इसीलिए इसका नाम होता है डीऑक्सी। ठीक है, इसीलिए इसका होता है डीऑक्सी। इन सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, जिस वक्त स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा। ठीक है, मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए, जो सबसे ज्यादा मेनली जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस में ये अगर प्रोटीन के साथ पाया जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। यानी इस खास तौर से जैसे ये यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, जो प्रोटीन है उसमें एग्जांपल इसमें आता है, जैसे हिस्टोन प्रोटीन हुआ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, और वहां उसको हम लोग एमटी डीएनए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तथा सीटी डीएनए कहते हैं क्लोरोप्लास्ट में। इस प्रकार से आपने आज न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।